फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं NIOS DLIT से संबंधित बातें करने आई हूं। आप सभी को पता होगा कि आज NIOS पे फैसला था पटना हाई कोर्ट में, तो फाइनली फैसला आ चुका है। तो उसको लेकर मेरे पास बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि मैम क्या सच में NIOS वाले जीत गए हैं केस? तो हाँ, ये बिल्कुल सही न्यूज है। NIOS वाले को बिहार में मान्यता मिल गई है। पटना हाई कोर्ट ने NIOS वाले को मान्यता दे दी है। और साथ ही जो अभी शिक्षक नियोजन चल रहा है बिहार में, उसमें शामिल होने के लिए भी एक महीने का समय दिया है, मतलब 4 सप्ताह का समय दे दिया है। तो अब जो बिहार में शिक्षक नियोजन प्रक्रिया चल रही है, और बहुत आगे बढ़ सकती है, क्योंकि अब NIOS वाले भी इसमें शामिल होंगे। तो नियोजन प्रक्रिया पे इसका असर बहुत गहरा पड़ेगा। अभी तक जजमेंट की कॉपी नहीं आई है, लेकिन सही है ये न्यूज़ कि NIOS वाले जीत चुके हैं और जजमेंट की कॉपी 1-2 दिन के अंदर आ जाएगी। तो अब देखना है बिहार सरकार क्या करती है। वैसे हाईकोर्ट का डिसीजन है, तो बिहार सरकार को मानना ही पड़ेगा उस डिसीजन को। और 1 महीने का समय अप्लाई के लिए दे दिया गया है, तो फिर शिक्षक नियोजन बहुत आगे जाएगा, क्योंकि पहले का जो भी मेरिट लिस्ट बना, पहले जो भी इसका प्रक्रिया हुआ, वो सब बेकार हो गया और सब नए तरीके से करना होगा। फॉर्म भी लब भी करेंगे NIOS वाले, तो सब कुछ मतलब नया हो गया है, सारा जो प्रक्रिया है फिर से शुरू होगा। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि कितना अधिक टाइम लग सकता है, क्योंकि अभी तक आप लोग देख रहे हो कि अभी जो प्रक्रिया चल रही है, उस प्रक्रिया में कई जगहों का, बहुत सारे नियोजन इकाई का अभी तक जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो भी जारी नहीं हुआ है। तो और उसमें वैसे में जो शिक्षक नियोजन का शेड्यूल निकला था, उसमें जो आपत्ति की तिथि थी वो भी खत्म हो चुकी है। उसके बाद भी अभी तक जो उसका मेरिट लिस्ट है वही नहीं आया है, और जहाँ का आ भी गया है वो भी अब समझिए बेकार ही हो गया। जब NIOS वाले उसमें शामिल हो जाएंगे, तो फिर वो शुरू से सारा प्रोसेस करना पड़ेगा सारे नियोजन इकाई को। तो ये शिक्षक नियोजन जो है काफ़ी लंबा जा सकता है, और काफ़ी लंबा जाके भी अगर हो जाए तब समझिएगा कि हो गया, क्योंकि इसमें क्या है कि इलेक्शन भी होने वाला है, चुनाव का पूरा प्रभाव इस पे पड़ेगा, क्योंकि आचार संहिता लागू हो जाता है। और ऐसे में इतनी जल्दी इतने अधिक संख्या में, क्योंकि बिहार की जो स्थिति है उसमें पूरे भारत के जो भी अभ्यर्थी हैं सब एलिजिबल हैं यहाँ जॉब करने के लिए। तो ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में फॉर्म आती है, और उसमें भी सारे लोग सारी जगह जा जा के अप्लाई करते हैं, तो प्रक्रिया बहुत ज़्यादा जटिल है यहाँ का शिक्षक नियोजन का जो है। तो वैसे में और भी काफ़ी समय लग सकता है, और इसमें भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब पहले से कंपटीशन और ज़्यादा टफ हो गया है, क्योंकि कंपटीशन तो पहले ही बहुत ज़्यादा था, बीएड और डीएलएड को लेकर लगातार चल रहा था, और उसमें NIOS वाले को भी बीच में मान्यता मिल गई है, तो NIOS वाले भी अब इसमें शामिल हो गए। तो NIOS वाले के लिए तो खैर बहुत अच्छी खबर है, NIOS वाले बहुत खुश होंगे। और साथ ही जो बाकी लोग हैं उनमें थोड़ी सी मायूसी देखी जा रही है, और इस तरह का होना स्वाभाविक है किसी भी इंसान के लिए, क्योंकि जिनके पक्ष में फैसला आया है उनको तो खुशी मिलेगी, और जिनके पक्ष में फैसला नहीं आया है तो स्वाभाविक है कि उनको दुख होगा। तो आगे अब देखना है कि बिहार सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है और क्या योजना बनाती है। मेरा मूल उद्देश्य जो था इस वीडियो को बनाने के पीछे, कि जो NIOS वाले हैं उनको सच में मान्यता मिल गई है, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग डाउट में हैं। मैं देख रही हूँ कुछ लोगों का कहना है ऐसा कुछ नहीं हुआ है, अफवाह है, कोई कुछ कह रहे हैं कोई कुछ कह रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी अफवाह नहीं है, एकदम सही न्यूज़ है। आप न्यूज़ चैनल वगैरह पर भी, जो न्यूज़ चैनल है वहाँ पर जाके भी देख सकते हैं कि इन लोगों को आकाज वो था, फैसला था, और जो NIOS वाले के पक्ष में ही आया है, तो NIOS वाले के लिए बहुत अच्छी खबर। लेकिन बिहार शिक्षक नियोजन पे इसका जो है बहुत क्या कहें वो असर पड़ सकता है, क्योंकि बिहार का जो ये है शिक्षक नियोजन का नियमावली है, उस नियमावली से जो बहाली हो रही है वो एक तो
एकदम मतलब उसको सही नियमावली आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि हर एक लोग समझदार है, हर एक लोग को पता है कि क्या चल रहा है नियोजन में, जो 2012 वाली नियमावली पे बहाली हो रही है, और वैसे में अब NIOS वाले इसमें शामिल हो गए हैं, तो अब शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया कितना आगे जाएगी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो आगे मेरे पास जो भी अपडेट आता है इस शिक्षक नियोजन से संबंधित, NIOS DLED, BED, DLED इससे संबंधित, तो मैं हर एक न्यूज़ से आप लोगों को अपडेट करूंगी। तो जो भी लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबा लीजिए, और जब आप बेल बटन को दबाएंगे उसके बाद ऑल पे क्लिक करिएगा, ऑल पे क्लिक करिएगा तो मेरा जो भी लेटेस्ट वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर देना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।